अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो चैप्टर 9 को बेटा हम पढ़ रहे थे। पहले दो टॉपिक्स बड़े अच्छे से हमने पढ़ लिया। आई होप सो कि बेटे आपको वो याद भी हो गए होंगे। बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो। आज फिर आपके सामने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके अंदर से एक आधा MCQs भी कभी कभी बन जाता है, वो आपके सामने पेश करने लगा हूँ जी। टॉपिक का नाम है हमारे पास रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? वही सेम पिछले वाले टॉपिक की तरह मैंने आपको बताया था कि जिस आदमी ने सी लैंग्वेज बनाई, उसने कुछ वर्ड्स मेरे बेटे सी लैंग्वेज को पहले से सिखा दिए। यानी कि जब आप नया फोन लेते हो तो आपको कुछ फंक्शन पहले से उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद मिलते हैं। कुछ ऐप्स बेटा आप अपने लिए जो है वो बाद में क्या कर लेते हैं, उसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, सहूलत के मुताबिक इंस्टॉल कर लेते हैं। अब जो पहले से उसके अंदर चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं? प्री डिफाइंड कहलाती हैं। सेम आपको पता है बेटा सॉफ्टवेयर किससे बनता है? वर्ड्स और सेंटेंसेस के जरिए। तो कुछ वर्ड्स पहले से सी को मेरा बेटा समझा दिए गए हैं, यानी कि वो काम कैसे करते हैं हमें सी को बताने की जरूरत नहीं है। सी को ऑलरेडी पता है, जस्ट हम उन वर्ड्स को यूज करेंगे और हमारी सी लैंग्वेज उन वर्ड्स को हमारे प्रोग्राम के अंदर जो भी उनके फंक्शंस होंगे वो परफॉर्म करवा देगी। ठीक हो गया। अब आ जाए जरा इसकी डेफिनेशन की तरफ। सिंपल सी डेफिनेशन है, दीज आर दी वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी लैंग्वेज। यानी कि ये पहले से डिफाइन शुदा वर्ड्स हैं। दूसरे नंबर पे कंपाइलर के ये पहले जान पहचान वाले हैं। कंपाइलर ऑलरेडी इन वर्ड्स को जानता है कि ये लफ्ज़ क्या आके परफॉर्म करेगा, इस वर्ड की जो है डिटेल, इसके फंक्शन की वो कहाँ पे पड़ी हुई है और इसने आके कैसे परफॉर्म करना है, कंपाइलर इन सब चीज़ों के बारे में जानता है। ठीक हो गया। ये तो थी बच्चों हमारे पास डेफिनेशन। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट MCQs। वो क्या है जी? तकरीबन 32 रिजर्व वर्ड्स हैं पूरी सी लैंग्वेज के अंदर, यानी कि 32 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको सी पहले से जानती है। ठीक है, MCQs के लिए याद रखना कितने टोटल रिजर्व वर्ड्स हैं मेरे बच्चों, 32 रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, फिर आपने उनमें से तकरीबन 5 रिजर्व वर्ड्स को बेटा आपने याद रखना है। ठीक है, वो आपको आने चाहिए। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि राइट एनी 5 रिजर्व वर्ड्स ओनली नेम्स। और फिर बेटा MCQs में भी आपको देखा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला वर्ड क्या है, रिजर्व वर्ड है, फंक्शन है, आइडेंटिफायर है, कुछ भी है। तो आपने अगर उनकी आपको सेंस होगी कि ये क्या है, ऑलरेडी आप उसको अच्छे तरीके से जान लोगे। तो कुछ रिजर्व वर्ड बेटा मैंने आपके सामने लिखे हैं, जैसे कि इफ, डू, एल्स, ऑटो, ब्रेक, ये सब के सब हमारे पास क्या हैं? रिजर्व वर्ड्स। आई होप सो मेरे बेटे कि ये आपको डेफिनेशन अभी याद भी होगी होगी। अपनी दुआओं में मेरा बेटा हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।